पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन, भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला, जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे निवास स्थान पर सुबह से ही सांसदों की चहल पहल बढ़ गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे निवास स्थान पर सांसद संजय मांडलिक, सांसद राहुल शेवाले, सांसद राजेंद्र गावित, सांसद भावना गावली, इसके अलावा और भी अन्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैठक में मौजूद रहे। एक से डेढ़ घंटे चली बैठक के बाद शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हमारी चर्चा हुई और यह चर्चा सिर्फ सभी शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के 13 सांसदों के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है और लोगों का क्या कुछ प्रतिसाद है, इसको लेकर बैठक हुई थी। आने वाले 2 से 3 दिन में लोकसभा 2024 के चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट जाहिर की जाएगी। महायुति घटक पक्ष के सभी नेता एक दूसरे का सम्मान रखेंगे और हमारा लक्ष्य है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है उसे पूर्ण रूप से सफल बनाने में हम सभी सांसद अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दिल्ली में आज राज ठाकरे और अमित शाह की बैठक हुई है और आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महायुति सरकार में शामिल हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी पर शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कहा है कि हमने राज ठाकरे और पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पहले ही स्वागत किया है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही बाला साहब ठाकरे के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। बैठक हुई आज, किस तरीके की बैठक हुई? माननीय मुख्यमंत्री जो विद्यमान खासदार है सर सामने सभी के क्षेत्र के और आने वाले एक दो दिन महायुति के बारे में जो उम्मीदवार की जो घोषणा है उसमें हो जाएगी और महायुति के बारे में सभी पक्ष एक दूसरे का सम्मान रखेंगे और हमारा मकसद यही है कि महाराष्ट्र में भूमिका प्लस सिंह जिताने की वो जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री किया की तरफ से हमारा यही संकल्प रहेगा कि भूमिका प्लस जीतने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। आज की एक बैठक केवल हमारे संसदीय क्षेत्र की पूरी जानकारी और आने वाले कुछ दिन में महायुति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से हुई है, शिवाजी जी राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से हुई है, क्या कुछ करना चाहोगे राज ठाकरे? अगर आपके बैठक चालू है शिवाजी जी